जी और अक्षरा जी इस फिल्म के हिस्सा, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुबारक बनाना चाहेंगे उनको? सबसे पहले देखने वाले सारे दर्शकों को दिल से नमस्कार। मैं आपकी अपनी कैसे क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी की फिल्में तो काफ़ी देखते होंगे, क्या खास नजर आता है उनके एक्टिंग में? बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी फिल्मों को पसंद भी करते हैं, पब्लिक भी पसंद करती है। तो आज उनकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, जान नहीं रुका। सो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलकर और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी काफ़ी सर ने बोला। सबसे खास बात है कि आज मकर संक्रांति है और आज उनकी मम्मी जी भी आई थी और अक्षरा जी भी आई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा मुहूर्त रहा। तो हाल फिलहाल में आपकी भी एक फिल्म आई थी, आगे क्या कर रही हैं, क्या काम चल रहा है आपको? मैंने अभी शूट 3 मंथ से शूट ही कर रही थी, इतना थक गई थी, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, डबिंग चालू है और उसके बाद से फिर से अभी करने जा रही हूँ। तो कुछ बताइए उस प्रोजेक्ट का। अभी कल्लू मैं अभी करके आई कल्लू की दुल्हनिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करके, कल्लू जी के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी और सच में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी मसालेदार, काफ़ी धमाकेदार, बहुत सबसे मतलब हटके तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर क्वेश्चन यही होता है कि सबसे हटके, लेकिन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जब भी रिलीज हो आप लोग ज़रूर जाने दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मसाला। हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस होगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दिनेश जी काफ़ी इंटरव्यू में बोले और अक्षरा जी आई हैं, उन लोगों ने मतलब वो एक सॉन्ग गुनगुना रहे थे, काफ़ी प्यारा था। हम सिंगर तो नहीं, हम नहीं गुनगुना सकते, काफ़ी प्यारा था और ख़ास करके आज के टाइम में काफ़ी हिट चल रही हैं अक्षरा जी सिंगिंग के मामले में। सो आप सोच सकते हैं। तो आपको भी गाने का शौक है? नहीं, मैं नहीं गाती, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बस 2-3 गाने आते हैं और कुछ नहीं। तो आप कब से इंडस्ट्री में आई है, मतलब कब से आपका संघर्ष जारी हुआ, कब काम मिला आपको, कितना वक्त लगा और आगे जो कर रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी स्ट्रगल भी है, टॉपिक को बांधने लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ के कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आता है काम करने में, सबके साथ मतलब बातें करके, मतलब अच्छा फील होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि मैं बता नहीं सकती, काफ़ी मज़ा आता है, मतलब सब कोई अपना अपना समझता है, ऐसा कोई नहीं कि किसी के दुश्मन, किसी के पीछ पीछे, जो भी है मुँह पे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास करके मैं अभी कल्लू की दुल्हनिया करके आई कल्लू जी के साथ, जिसमें 7 हीरोइन थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग सेट पे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ कि हम लोग एक फैमिली है, एक बड़ा सा बंगलो है, बड़ा सब लोग वहाँ पे रुके, काफ़ी इंजॉय किए, काफ़ी मज़े किए। और ख़ास करके अभी निकला कल्लू जी हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी थी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी अच्छी जोड़ी और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपका क्या किरदार है, कि सिर्फ फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है या कॉमेडी भी है और मतलब तड़का अच्छा है, मतलब अच्छा फ्लेवर है, बोल सके तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स है, मतलब कि साथ एक्ट्रेस, बहुत बड़ा कंसेप्ट था, बहुत मजा आया। जिनके कल्लू की दुल्हनिया के प्रोड्यूसर थे मुकेश गुप्ता जी और डायरेक्टर थे चंदन उपाध्याय जी और DOP थे तिवारी। तो क्या कहना चाहिए, कैसा लगा उनका अभिनय के बारे में बताइए, कैसा स्वभाव, कैसा था, किस तरह से वो मतलब सेट पर रहते थे कल्लू जी के बारे में बताइए। उनका व्यवहार के साथ सेट पे कल्लू जी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने मतलब जितना भी सुना था उनके बारे में कि ऐसे वैसे है, लेकिन सबसे हटके मतलब कि काफ़ी नेचर वाइज काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सबसे हंसते बोलते रहना, अगर कोई सैड भी है तो उसको हंसाते रहना और कभी कभी तो माइक भी लेके सिंगिंग करके हंसाते रहना, तो काफ़ी अच्छा, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और नो डाउट उनकी सिंगिंग तो सुपर डुपर है। सो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कब तक आने की उम्मीद है, की बात कर रहे हैं आप कल्लू जी, कब तक पाने की उम्मीद है? शूटिंग हो चुकी है पूरी इसकी? हाँ, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक अगले जन तक आ जाएगी। कहाँ की शूटिंग, कैसा मतलब शूटिंग में कहाँ आप लोग गए थे शूट करने के लिए? हम लोग फैजाबाद में शूट किए। हाँ, फैजाबाद एक ही लोकेशन था, अयोध्या काफ़ी मतलब कि राम की नगरी है, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ और काफ़ी अच्छा लगता था, एक अपनापन महसूस होता था और अपना राम की नगरी में जाके तो अच्छा फील होना ही है। और दिनेश जी के साथ अगर कोई रोल करने मिले तो किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे दिनेश जी के साथ अगर आगे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है? एक्ट्रेस है, हमको मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मिले या बड़ा मिले, ऐसा नहीं है, काम काम होता है और जो भी मिले हम मन से करेंगे। हम एक्ट्रेस में ये सोच के और ख़ास करके हम एक्टिंग अच्छा और पब्लिक हमें पसंद करती है तो सिर्फ उसी के लिए पसंद करती है और किसी चीज़ के लिए नहीं करती है, तो हम अच्छा से अच्छा करेंगे।